सप्लीमेंट कंपनियों के बीच बड़ा कंपटीशन। प्रतीक भक्त बेंगलुरु। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपी की ग्रोथ तेज होने के साथ पेमेंट कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ गया है। जनवरी के ट्रांजैक्शन के आंकड़ों के अनुसार पेटीएम इसमें पहले स्थान पर है, इसके बाद गूगल पे और फोन पे है। सूत्रों ने बताया कि जनवरी में 22.1 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शंस के साथ पेटीएम ने सबसे अधिक यूपी ट्रांजैक्शंस दर्ज किए। दूसरे और तीसरे स्थान पर मौजूद गूगल पे और फोन पे की ट्रांजैक्शंस लगभग 22 करोड़ रही। इसे देखते हुए पेटीएम और इन दोनों के बीच अधिक अंतर नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की ओर से यूपी के कुल ट्रांजैक्शन आंकड़े जारी किए जाते हैं। ईडी ने टॉप 3 पेमेंट कंपनियों के अलग अलग आंकड़े कई सूत्रों से हासिल किए हैं। यूपी की कुल ट्रांजैक्शंस लगभग 67.2 करोड़ रही। फोन पे ने बताया कि जनवरी में करीब 30,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई है। गूगल पे ने आंकड़े नहीं दिए। पेटीएम से उत्तर नहीं मिला। एक सीनियर बैंकर ने बताया, मर्चेंट पेमेंट्स बढ़ रही है क्योंकि नॉन बैंकिंग कंपनियां इसे बढ़ावा दे रही है। कैब राइड के लिए यूपी पेमेंट्स की संख्या भी लगभग 20 लाख प्रति माह की है और इसमें तेजी से ग्रोथ हो रही है। सरकार की ओर से पेश की गई मोबाइल पेमेंट ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी की पिछले कुछ महीनों में लोकप्रियता कम हुई है क्योंकि प्राइवेट नॉन बैंकिंग एप्लीकेशन से अधिक ट्रांजैक्शंस आ रही है। NPCI के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में भीम के जरिए ट्रांजैक्शंस केवल 1.4 करोड़ रही, जो दिसंबर 2018 में लगभग 1.7 करोड़ ट्रांजैक्शंस से 17.6% कम है। हालांकि आंकड़ों को करीब से देखने पर पता चलता है कि भीम के जरिए प्रति ट्रांजैक्शन फंड की मात्रा अभी भी इंडस्ट्री में अधिक है। इसका मतलब है कि लोग इसका इस्तेमाल इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि वास्तविक जरूरत के लिए कर रहे हैं। भीम के जरिए यूपी ट्रांजैक्शंस का एवरेज साइज लगभग 1,600 रुपए था। पेटीएम के लिए यह आंकड़ा 1,907 रुपए, फोन पे के लिए करीब 1,300 रुपए और गूगल पे के लिए लगभग 1,200 रुपए था। एक अन्य बैंकों ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, एक्सिस बैंक और कुछ अन्य बैंकों के ऐप का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। SBI ने इससे जुड़े आंकड़े बताने से मना कर दिया। हालांकि शेयर होल्डर्स को बैंक की ओर से हाल में दी गई जानकारी के अनुसार बैंक के लिए 87% से अधिक ट्रांजैक्शंस अल्टरनेट चैनल्स पर हो रही है।